दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे साथी बहुत ही प्यार से और बहुत ही बढ़िया एकेडमिक तरीके से डिबेट कर रहे हैं। तो हम कभी भी हाई कर सकते हैं, पिच कभी भी लो कर सकते हैं, मगर मैं बड़े लो पिच में ही बात करने जा रहा हूँ छोटी सी, क्योंकि बात जो कड़ी है वो पल्ले वही पड़नी है जो काम की बात पे। मैं कई स्टेजों पर कई फंक्शनों में जब जाता हूँ तो मुझे अक्सर यही दुख आता है कि हम दूसरे को नीचा दिखाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, दूसरा ने ऐसा क्यों नहीं करा, यही क्यों नहीं करा, उसने बहुत ज्यादा आगे। मैं उस टॉपिक पे छोड़ता हुआ, गौतम साहब आपसे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले मेरी रात को 10:30 बजे आपसे बात हुई थी। आपके साथ मैं जो क्रीमी लेयर का मैटर और कोर्ट में जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया था मैटर, आपके बारे में एसपी गौतम जी से एडवोकेट सबसे बात करी, मनोज रेडर से बात करी, सबसे करी, सभी ने आपने मुझे यही कहा था कि हमारे पास फोन तो बहुत आ रहे हैं, इंक्वायरी तो बहुत आ रही हैं, मगर कोई ग्रुप, कोई इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी, कोई एनजीओ, कोई यूनियन आगे नहीं आ रही। सो हम कोई एफिडेविट फाइल कर सके जहाँ हमें वकालत नामा फाइल कर दो, तो मैंने उसी हमें कहा कि मैं इंडिविजुअली भी और मैं अपनी एसोसिएशन से भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। कई एसएचओ कई एसीपी भी तैयार थे इस काम के लिए कि आप लड़ो आगे बढ़ो हम आएंगे, पर मुझे एसपी गौतम जी ने कह दिया कि अभी ये वक्त नहीं आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर की सेंटर से कमेंट्स मांगे हैं, सेंटर वाले भी पार्टी हैं तो सेंटर ही कह देती है कि ऐसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, हमें पार्टी बांधने की लोड़ नहीं। मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता, मगर मुझे एडवाइस करी गई एडवोकेट एसपी गौतम द्वारा कि अभी आप सारे शांत रहो, एक्टिव रहो, जब वक्त आएगा उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरी बात, अब महीना अप्रैल का आने वाला है, जितने भी हमारे छोटे मोटे लीले काले पीले सारे जितने भी अम्बेडकर जी के सो कॉल्ड सेवादार हैं वो तरह तरह के स्टिकर अपने माथे पे लगा के जरूर आएंगे 14 अप्रैल के आसपास, हमें उनको पहचानते हैं, हम पहचानते भी पहचानेंगे। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा कि 14 अप्रैल को तकरीबन हम सारे ही अपने ग्रुपों के साथ फैमिली के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं, बाबा साहब को नमन करने जाते हैं, तो सर मेरी एक छोटी सी सलाह है अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्रूव कर लेना कि उस दिन हम अपने गाड़ियों पे एक एक बैनर लगा के जाएं विरोध का, जहां उसमें क्लियर कट कहें कि संविधान बचाओ, रिजर्वेशन बचाओ और ये पार्लियामेंट। तीसरी बात, डॉक्टर साहब ने कही थी कि हमें पार्लियामेंटेरियन या जितने हमारे पॉलिटिकल नेता है उनको हमें नहीं पकड़ना या नहीं उनको बुलाना। दोस्तों हर चाबी हर समस्या की जो कुंजी है वो पार्लियामेंट से निकलनी है, आप चाहे कुछ कर लो अल्टीमेट उसी पार्लियामेंट से आपका एक्ट मानना है, उसी पार्लियामेंट से आपकी अमेंडमेंट होगी, क्योंकि इस समय मनी मीडिया माफिया तीनों एम उनके हाथ में है। बड़े दुख की बात है कि पिछले महीने 90 पार्लियामेंट से भी ज्यादा इकट्ठे होके प्रेसिडेंट साहब को मिलने गए, पर किसी भी न्यूज चैनल ने किसी भी मीडिया ने उनकी खबर नहीं दिखाई। श्रीदेवी को दिखाते रहेंगे, मरीज को पूरा पूरा हफ्ता पर उसको दिखाते रहेंगे, तैमूर का रोने का दिखाते रहेंगे, हमारे 90 पार्लियामेंटर गए वहां और किसी ने उनको कवर नहीं करा। दोस्तों मेरी ये थोड़ी यही सलाह है कि हमें 14 अप्रैल को जरूर हर हालत में पार्लियामेंट में अपने विरोध बैनर लेके जरूर जाना चाहिए और बाकी जो आप प्रॉब्लम बनाएंगे सर हम आपके साथ हैं। मेरी जरूरत एज इंडिविजुअल एज एसोसिएशन मैं आज भी जा रहा हूँ, 11 जन उन्होंने बोला 11 जन मैं भी जाने।